नमस्कार। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद से गुजरात की जनवाणी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं नीलम शर्मा। गुजरात में चुनाव होने हैं 9 दिसंबर को और 14 दिसंबर को यहां पर वोट पड़ने हैं और इसके मद्देनजर इस समय गुजरात में चुनावी सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही हैं और दावे प्रति दावे हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। हम जानते हैं कि दो दशक से भी ज्यादा समय से भाजपा यहां सत्ता पर काबिज है और देखना होगा कि क्या इस बार के चुनाव में भी उसे विजयश्री मिलती है, क्या भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस का इतने सालों बाद सरकार बनाने का सपना पूरा होगा। और इस बीच जनता जनार्दन, गुजरात की जनता जनार्दन जिसे हम सब जानते हैं, चुनाव में गुजरात मॉडल की बात होती है। 2014 का चुनाव भी इस बिना पर लड़ा गया था और विकास सबसे बड़ा मुद्दा यहां बनाया गया था। देखना होगा कि इस बार जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ चाहती है वो आने वाली सरकार से, कौन सी ऐसी मुसीबतें परेशानियां जिन्हें उसने झेला है, जिन्हें वो चाहती है कि उसे एड्रेस किया जाए। जानेंगे ये तमाम मुद्दे और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान, हमारे विशेष मेहमान और हमारी गुजरात की जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है। आइए सबसे पहले अपने खास मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ भाजपा से यहाँ भावना बेन दवे जी हैं जो कि पूर्व सांसद रह चुकी हैं और भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है भावना जी आपका जनवाणी में। हमारे साथ अमी बेन याग्निक हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है अमी बेन आपका। हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक लेखक विष्णु पांडे जी मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी। और हमारे साथ उद्यमी और एसोचैम से आने वाली भाग्येश सोने जी हैं जो कि उद्यमी भी हैं स्वयं और काफी नब्स को पकड़ कर रखती हैं यहाँ पर सरकार की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मेरे ख्याल से शुरुआत हम भाजपा से ही करेंगे। भावना जी, इतने वर्ष हो गए, दो दशक से भी ज्यादा समय हो गया। लोग कहते हैं कि साहब एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन लगता नहीं है कि गुजरात में कोई ऐसा कोई फैक्टर काम करता है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये फैक्टर चलने वाला नहीं है? देखो, आज तक लोगों की सोच ऐसी थी कि जिसका शासन होता है स्टेट में, उसका शासन का एंटी इनकम्बेंसी होता है। पर गुजरात ही पहला एक स्टेट है कि जहाँ एंटी इनकम्बेंसी की कोई बात नहीं है। ऊपर से हम ऐसा कह सकते हैं कि 22 साल में गुजरात ने जो विकास किया है और गुजरात के मॉडल के जरिए अन्य राज्यों में भी आज जो विकास हो रहा है, इसलिए हम आज बहुत ही विश्वास से कह रहे हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाला है। ये 100% बात है। नहीं, पर गया ही का आपका शासन नहीं मतलब कि फिर से चुनाव के बाद भी भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। मतलब कि 22 साल और भी 5 साल अभी आगे आएंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमने सबका साथ सबका विकास लिया है। हमने कभी जातिवादी राजनीति नहीं की है और जब से हमारी सरकार आई है तब से आप यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग देखते हैं कि इस स्थान पर जो हम बैठे हैं, ये नदी में पानी भी नहीं था और ऐसा था कि जहाँ पर मतलब कि आने का किसी को मन नहीं होता था। आज रिवर फ्रंट की चर्चा न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में होता है। मैं सिर्फ रिवर फ्रंट की बात नहीं करती, हमारे लोगों ने आम आदमी तक, सामान्य जनता तक हम पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ आवास योजना जो है हमारी, जनधन योजना है। और खास करके अगर आपको बताऊं तो सबसे बड़ी हमारी सिद्धि, हमारी कामयाबी ये सरदार सरोवर है। 1961 में उनका भूमि पूजन हुआ था। माननीय हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जी ने उनका भूमि पूजन किया था। न जाने क्यों 61 से लेकर 95 तक, 95 तक कोई काम आगे बढ़ा नहीं, काम में रुकावट ही रुकावट आई। उसके बाद 95 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद ये जो हमने आज कच्छ तक पानी पहुंचाया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, वो आते ही 17 दिन के अंदर दरवाजे लगवाए। और आपको जानकारी होगी, जनता को भी जानकारी होगी कि ये सरदार सरोवर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से बहुत ही झगड़ा किया है। और आज एक बात मुझे जरूर आपसे कहना है कि अभी अभी हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी आए थे। हम तो सबका स्वागत करते हैं, गुजरात का तो ये है हमारा कि सबका स्वागत करना, पर एक बात का दुख गुजरात की जनता को हुआ है कि मनमोहन सिंह जी ऐसा बोले कि मुख्यमंत्री जब नरेंद्र भाई मोदी थे तब कभी मुझसे नर्मदा के बारे में नहीं मिले।
ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये झूठ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 51 कलाक अवर्स तक वो उपवास किया था और उसके लिए हमने बहुत ही मेहनत की है, परिश्रम किया है। मुझे एक सवाल कांग्रेस से है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, गुजरात की जनता तो अपनी है और आपके समय में केंद्र में भी आप थे, आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब में आपकी सरकार थी, तो क्यों गुजरात को प्यासा रखा, क्यों गुजरात के लोगों को प्यासा रखा, ये एक बहुत बड़ा सवाल ये गुजरात की जनता आज भी कांग्रेस को पूछ रही है। और हमने जो सफलता प्राप्त की है तो ये पानी के मुद्दे पर, क्योंकि हमने महिलाओं के सिर से जो मटके हैं ना वो नीचे उतरवाए। मैं सांसद थी, मुझे पता है कि मैं जब गांव में जाती थी तब महिलाएं मुझे घेर कर कहती थी कि अरे भावना बेन हमारे सिर फूट गए, ये पानी भर कर 10-10 किलोमीटर तक। तब मैंने आश्वासन दिया था कि आप हम पर विश्वास रखो, हम जरूर आपके ये मटके सिर से उतारेंगे, आपके घर घर में नल देंगे, आपके सभी जो छोटे छोटे गांव में 18,000 उसमें 24 घंटे। एक बार बताइए कि 20 साल में से 12 साल तो मोदी जी सीएम थे जी। अभी लोग गुजरात के लोग एज सीएम मोदी जी को बड़ा मिस करते हैं क्योंकि अब वो पीएम बन गए। हम जानते हैं कि उसके बाद दो बार आप लोगों को सीएम बदलने पड़े, तो इसका मतलब क्या है कि गुजरात की जनता को अपने पुराने सीएम ज्यादा याद आते हैं अभी भी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम मतलब कि गुजरात की जनता अपने सीएम को मिस तो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई के आने के बाद जो विकास में गति आई थी वो गति के कारण, और वो गति को हमारे बाद में मतलब कि प्रधानमंत्री बन गए हमारे मोदी जी और बाद में हमारी आनंदीबेन, विजय भाई, नितिन भाई जो आए उन्होंने गति को आगे बढ़ाया है। उसमें मतलब कि सीएम भले बदले हो पर गति में कोई रुकावट नहीं आया है। आज आप देख रहे हैं कि गुजरात की तेज गति से कि आपको मुख्यमंत्री बदलने इसलिए पड़ रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मोदी जी के समय में था आज उन सीएम में इतना कंट्रोल नहीं रहा, ये भी गुजरात की जनता आपसे पूछती है? नहीं, गुजरात की जनता भले पूछे, बिल्कुल पूछने का अधिकार है गुजरात की जनता को, परंतु आप जानते हैं कि हमारी जो मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल बहुत ही बढ़िया काम कर रही थी, गतिशील थी, पर उन्होंने सोचा कि उनके जो 75 इयर्स हो गए तो उन्होंने तय किया कि पार्टी में जैसे ये होता है कि 75 इयर्स के बाद मैं मतलब कि छुट्टी ले लूं, मैं जिम्मेदारी किसी और को दे दूं, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमारी पार्टी के हमारे पदाधिकारियों को और अपना रेजिग्नेशन खुद उन्होंने दे दिया है। ओके, बहरहाल इस पर भी बात करेंगे और ये सीएम कौन हो गुजरात का और जो पुराने सीएम है उनको कैसे वापस जिस तरह से उनकी जो याद है और उनका जो काम है वो आज भी सिर चढ़कर बोलता है गुजरातियों के, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ अमीबेन याग्निक जी हैं कांग्रेस से। अमित जी ये बताइए कि जैसे कि एक मेरे को एड याद आता है जिसमें वो कहते थे कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, गाड़ी चलती ही जाती है। लग रहा है कि भाजपा का भी पेट्रोल अभी खत्म होने वाला है नहीं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनावी समर में, कहां पाते हैं आप कांग्रेस को इस बार के चुनावी इस महासमर में? देखिए कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, उसने 22 साल से सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो बहुत अच्छा काम विपक्ष के तौर पे किया है। ये जो अपने कलीग बता रहे थे भावना बहन कि सबका साथ सबका विकास, अगर इतना विकास हो गया होता गुजरात में 22 साल में सबका साथ होता, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे या वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उन्हें एक राज्य के इलेक्शन के लिए इतना दौरा क्यों करना पड़ता है, उनको बार बार यूँ अपने गुजरात में क्यों आना पड़ता है अगर इतना विकास हुआ है? इस बात को कैसे क्वेश्चन कर सकते? नहीं कर सकते क्वेश्चन, क्योंकि वो प्रधानमंत्री देश के हैं, एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। इतनी बार आके अगर विकास हुआ होता है तो पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है, प्रजा को अच्छा लगता है, भाई विकास हो गया है, भाजपा ने विकास किया है, तो इनका अभी और ज़्यादा आके बताना कि भाई नहीं विकास हुआ है, तो उनके लिए प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ता है। एक तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है, जो हर राज्य में अगर प्रधानमंत्री इतना जाते 10 बार 15 बार तो वो तो प्रधानमंत्री देश के हैं, बीजेपी के नहीं हैं। एक मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर विकास है तो फिर भाजपा बौखला क्यों गई है, इतना डर क्यों है भाजपा को
एक रिवर फ्रंट एक ही जगह है जो आप बार बार शोकेस करते हो। ये मटके की बात जो भावना बहन ने की, आज भी आप इंटीरियर में जाओ तो वही लाइनें लगी होती है, और मटका नहीं है अब तो वो प्लास्टिक का वो कंटेनर आता है छोटा वाला, वो लेके लाइन में खड़ी रहती है। आप उसकी बात मत करो, आप ब्रिज के उस पार जाओगे तो जो बॉम्बे होटल के पीछे जो पूरा एरिया है वहाँ आज भी टैंकर जाता है, वो भी टैंकर कोर्ट में एफिडेविट होने के बाद कमिश्नर ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि भाई हम 15 दिन में इतने टैंकर्स भेजेंगे। तो ये सब जो बातें बताने में बहुत अच्छी लगती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और होती है। तो ये विकास की बातें तो इस बार लगता है कि इनको इतना मार्केटिंग करना पड़ता है कि विकास हुआ है हुआ है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर विकास हुआ है तो क्यों इतना कहना पड़ता है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि कांग्रेस ने जो जितना भी बताया कि भाई हम जो जीएसटी की बात कर रहे थे, क्योंकि वो हमारा आइडिया था, तो वो जीएसटी की बात तो आपने वो अंदाज में लिया नहीं है। और आज जो जीएसटी ने स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को जो बिल्कुल पीछे ले गए हैं, तो एवरेज ग्रोथ जो था, जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो नीचे जा रहा है। आप किसी भी ट्रेडर को पूछो, आप खेडूत को पूछो, खेती वाले को पूछो, आप स्मॉल आदमी को पूछो, सबको ये जीएसटी का प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा वो नोटबंदी का प्रॉब्लम आ रहा है कि जो बड़े डिसीशन लिए हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होके जो वहाँ दिल्ली में गए, उन्होंने ये दो निर्णय लिए, वो दो निर्णय की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, जो पिछले 10 साल में यूपीए सरकार ने किया, तो वो आज मनमोहन सिंह जी जहाँ आए थे उन्होंने बताया कि हम वो ग्रोथ से काफ़ी नीचे हो गए, और सारे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि वो ग्रोथ नीचे जा रहा है। तो आपने ऐसा कैसा निर्णय ले लिया कि जो प्रजा के हित में नहीं था, और इंडस्ट्री को इतना बड़ा झटका लगा। 86% इकोनॉमी हमारी इन्फॉर्मल है कि वहाँ पैसे से व्यवहार होता है। कोई एक छोटा आदमी गांव में जाता है तो वो क्रेडिट कार्ड लेके नहीं जाता है, वो चेक लेके नहीं जाता है, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी कहता है। आप चाहते हैं अमी बहन कि जब जीएसटी की बात करते हैं तो सारे राज्यों का एक कलेक्टिव डिसीजन था, है ना, उसको एक परिषद है जो उसको चलाती है, उसके बारे में निर्णय लेती है। सरकार ने अभी भी कहा है कि इसमें जो कुछ इसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी समस्याएं आ रही, कोई भी आप नई चीज शुरू करते हैं तो जो भी चीजें उसमें आती हैं उसके बारे में निवारण होता है। सरकार इसके लिए तैयार है और खुले मन से इस पे बात कर रही है, तो फिर भी आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिससे गेन लेना चाहते हैं गुजरात के इलेक्शंस में? नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा तो बन ही जाएगा क्योंकि इलेक्शन टाइम है, पर ये मुद्दा जब से जीएसटी आई है तब से जब इम्प्लीमेंटेशन होता है और आपने कोई हेस्टी डिसीजन लिया हो और उसका प्रिपेरेशन नहीं किया हो तो ये जरूर होना ही था। और आप जब ऐसे सिलेक्टिव नहीं हो सकते, सी व्हेन यू आर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, आप ऐसा सिलेक्टिव स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि भाई यहाँ सबका कलेक्टिव डिसीजन था। अरे भाई इतनी चर्चा हुई थी, आप तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट में, इसलिए आपने इतना हेस्टी डिसीजन लिया, आपने हमारी बात नहीं सुनी थी। हमने 18% हाईएस्ट स्लैब बताया था, 28% तक स्लैब चला गया है और इतने फेजेस में है और इतने उनको प्रोसीजरल बना दिया है कि पीपल ट्रेड कर नहीं सकते, इसलिए तो इंडस्ट्री को फटका जरूर। डीमोनेटाइजेशन की बात पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बन जाती है, क्योंकि इलेक्शन टाइम है, और उस विदाउट इलेक्शन टाइम आपने देखा कि 100 बंदे तो लाइन में खड़े रह के गुजर गए, एक भी लाइफ की वैल्यू आप देखो कोई भी देश में तो लाइफ की वैल्यू कितनी है, आपको तो 100 लोग गुजर गए, एक शब्द नहीं आया है भाजपा तरफ से कि अच्छा इतना खराब हो गया हम माफी मांगते हैं कि कैसे हो गया, हमको दुख है, खेद व्यक्त नहीं किया, वो अलग बात है। दूसरी बात डीमोनेटाइजेशन की, 86% कैश इकोनॉमी को आपने इमीडिएटली एक वन फाइन डे आके प्रधानमंत्री जी ने टेलीविजन पे आके बोल दिया 8 बजे कि 4 घंटा मिलता है आपको, सबको 500 और 1000 का नोट निकाल दिया है हमने। तो ये जब अभी जीएसटी की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते देश को, अभी अरुण जेटली जी आते फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे हर बात एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी पर उनको तो लिया ही नहीं था डिसीजन मेकिंग में, ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनको तो पूछा ही नहीं था बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने, उस टाइम उन्होंने जवाब ही नहीं दिया था। तो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन डेफिनेटली मुद्दा बनेंगे क्योंकि वो हर व्यक्ति को टच करते हैं। ओके, हमारे साथ विष्णु जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। विष्णु जी, आपने दोनों पार्टियों को सुना और यही दोनों ध्रुव हैं अगर हम गुजरात की राजनीति को देखें, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार ज्यादा प्रमुखता से उठेंगे और जिनका असर पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए 50 साल से मैं करीब 10 या 12 चुनाव देखे हैं विधानसभा के। अच्छा। और अलग अलग मुद्दों पर सभी चुनाव लड़े जाते थे। इस बार बड़ा विचित्र मामला ये है कि जो निश्चित नहीं है वो भी अनिश्चित जो है वो कहते हैं कि हम भी निश्चित सत्ता पर आएंगे, और जो निश्चित है वो तो कहते ही हैं कि हम निश्चित होंगे।
ये दो बातें इस बार हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो चिंताजनक है वो जातिवाद का है। मोनिटाइजेशन या फिर GST या बाकी सब विकास की बातें, तो विकास एक प्रक्रिया होती है, बहुत जल्दी आसमान से कोई स्वर्ग नहीं आ जाता, उसके लिए कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं, उसमें गलतियां भी होती हैं। तो ये गलतियां तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन उसको सुधारने का अवकाश भी है। और पहली बार 2014 के बाद इतने साहसिक निर्णय लिए गए। क्यों निर्णय लिए गए? किसी को इसमें काला बाजार या भ्रष्टाचार तो करना नहीं था। 50 लाख से ज़्यादा करोड़ तक जो भ्रष्टाचार हुए अगले शासन में, तो इससे भी प्रजा को लग रहा था कि ये काले धन को कहीं कहीं निरस्त करना चाहिए। अब निरस्त करने के लिए क्या करना, तो ये करने के लिए उन्होंने सभी को बुलाया था, सभी ने अलग अलग अभिप्राय दिए थे। कांग्रेस सरकारों ने भी कहा था कहाँ GST भी लगाना है, ये होना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये निर्णय, इतने निर्णय के बाद ये प्रक्रिया आने वाले दिनों में 10 साल तक रहेगी। लोगों को कुछ ना कुछ तो सहन करना चाहिए। समाज केवल ले रहा है और हमें सब सुविधा दे दे, ये किसी देश में नहीं चल सकता, भारत में तो नहीं चल सकता, क्योंकि भारत का तो बहुत पुराना ये हमारा 47 से क्या किस प्रकार का हिस्ट्री है। दूसरी बात मैंने कही जो जातिवाद की, प्रधानमंत्री ने अभी जो निवेदन किया, पत्र लिखा गुजरात के मतदारों को, ये केवल कोई पार्टी के नेता के स्वरूप में नहीं लिखा है, वो प्रधानमंत्री के स्वरूप में लिखा है। और उन्होंने कहा कि गुजरात में जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद, ये दोनों निरस्त करने के लिए वोट करें। उन्होंने नहीं कहा कि भाजपा को दे, वो बाकी तो बाद में तो कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो निवेदन दिया, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है गुजरात में। गुजरात में 85 में ये खाम थियरी के आधार पर जिस प्रकार वर्ग विग्रह हो गया था, लोगों को बांट दिया गया था, मैंने देखा है कि रास्तों पर आगजनी चलती थी, पुलिस हड़ताल पर थे, दारू शराब चल रहा था, पुलिस हड़ताल पर थी, ये सब था। और पूरे गुजरात में सभी जनजातियों को, जातियों को, सवर्णों को, अवर्णों को बांट दिया गया और उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए। तो हमें दूसरी बार विभाजित गुजरात नहीं चाहिए, ये लोगों के दिमाग में बड़ा मुद्दा है जी। पर आपको क्या लगता है, जिस तरह से बात अभी कर रही थी आमी जी कि डिमोनेटाइजेशन और GST, क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात में तो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं और तमाम तरह के छोटे बड़े उद्योग में यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा कर्मठ लोग माने जाते हैं यहाँ के, क्या आपको लगता है कि उनको इसका असर पड़ा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उससे पहले तक सब ठीक था लेकिन उसके बाद में थोड़ा सेंटिमेंट में बदलाव आया है। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसीलिए कि गुजरात की प्रजा कैलकुलेटिव है, गिनतीबाज है, गणतरीबाज हम गुजराती में कहते हैं इसको, तो गिनती कर लेते हैं, सबको देखते हैं, ये राहुल जी क्या कह रहे हैं, मनमोहन सिंह जी आने के बाद इतनी अवस्था है तो भूल गए होंगे कि कब मिले थे, क्या मिले थे, हो सकता है ये। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री थे तब उनके उपाध्यक्ष ने जो वो प्रस्ताव को अपने फाड़ दिया था, ये उन्हें याद नहीं आया? किस प्रकार की पार्टी चला रहे थे? इस प्रकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही, ऐसा हमें सभी गुजरातियों को लगता है और बाकी सबको भी चलता लगता होगा। इसलिए जो मुद्दे हैं उनमें प्रमुख मुद्दा जातिवाद ही रहेगा, ये डिमोनेटाइजेशन, बाकी सब थोड़े बहुत असंतोष तो जरूर होगा, लेकिन सरकार भी कह रही है, पार्टी भी कह रही है कि इसको हम निकाल कर इसका निरस्त करेंगे, और उपाय तो सभी प्रश्नों के होते हैं, थोड़ी देर से या जल्दी से। ओके, हमारे साथ भागेश सोने जी हैं जो कि उद्यमी हैं और SHOM से आती हैं। भागेश जी, आप किस प्रकार से देख रही हैं गुजरात के इस, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 2 दशक से ज़्यादा समय से भाजपा यहाँ पर जमी हुई है, और क्या आपको लग रहा है कि इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके आधार क्या होंगे, जनता की डिमांड्स क्या हैं और किस प्रकार की चीज़ों को सेंस कर रही हैं आप इस चुनावी समर के दौरान? हम उद्यमी लोग और स्पेशली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम दोनों पार्टियों के साथ या मल्टी पार्टी हो तो हम सभी के साथ, आपका फायदा रहता है, सभी के साथ हम चलने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी होती है भारत का अर्थतंत्र, भारत में कितने उद्यमी नए बनेंगे और भारत में जॉब क्रिएशन कितनी होगी। तो आज की सिचुएशन पे अगर हम देखें तो
जैसे कई स्पीकर्स ने कहा कि रिस्क लेना चाहिए, और ये किसी भी देश में एक समय होता है कि रिस्क कब लेना चाहिए और क्या टाइमिंग होनी चाहिए। अगर हम भारत की डेमोग्राफी देखें तो भारत में 1980 से लेके 2000 तक भारत की पॉपुलेशन जो है वो करीबन 25 करोड़ बढ़ी है, और 2001 से लेके आज तक 2017 तक भारत की पॉपुलेशन 16 करोड़ बढ़ी है। तो भारत में 1980 से लेके 2000 तक जो 25 करोड़ जनता पैदा हुई है, आज उनके प्रति हर सरकार की जिम्मेदारी है। तो टाइमिंग डिमोनेटाइजेशन के लिए मैं एक चीज कहूंगी कि गुजरात एक समृद्ध राज्य है, गुजरात की महिलाओं के पास घर में जितना कैश होगा शायद उड़ीसा की महिला के पास घर में इतना कैश ना हो। तो नोट बदली या नोट बंदी से गुजरात की महिलाएं जितनी उनकी सिक्रेसी उजागर हो गई हो और गुजरात की महिलाओं को जितनी चैलेंजेस आई हो शायद उड़ीसा की महिला को उतनी चैलेंजेस ना आई हो। ये मेरे लिए नोट बदली या नोट बंदी की चैलेंज है गुजराती। कोई आया, आपको नहीं लगता ट्रेडर्स को कोई फर्क पड़ा उससे? जरूर आया है। अब उद्यमी में आऊंगी तो उद्यमी अगर गुजरात को देखें तो गुजरात का जो एसएमई सेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको एक और आंकड़े दे दूं कि गुजरात में भारत में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशन है जो 383,000 है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र का आता है जहां पे 233,000 रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं। तीसरा बंगाल है जहां पे 180,000 है। तो वो 3 लाख जो 83,000 है उनको भी इफेक्ट नोटबंदी से आई है। दूसरा जीएसटी, मैं जीएसटी में जिस दिन देन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पेपर डिस्कस करने के लिए ऑफर दी थी तभी से मैं जीएसटी की कॉन्फ्रेंसेस में इन्वॉल्व हूँ। तब गुजराती एंटरप्रेन्योर, गुजरात सरकार, हर किसी का हमारा एक ही डिमांड था कि जीएसटी ऐसा आए जिसमें कोई अमेंडमेंट्स ना आए। तो मतलब अभी ठोक बजा के सही जीएसटी आए, ट्रायल्स एंड एरर्स वाली जीएसटी ना आए। तो अभी जो जीएसटी आई है उसपे तो ट्रायल्स एंड एरर्स वाली जीएसटी है, आई एम सॉरी टू से। और ये क्यों ना आए? क्योंकि गुजरात, फिर से मैं कह दूं कि गुजरात में इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स करप्शन कम है। मैं फार्मा फील्ड में डील करती हूँ, गुजरात की एफडीसीए इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन इंडिया। अच्छा, कहते हैं होम मिनिस्ट्री के बाद एफडीसीए सबसे ज्यादा करप्ट होती है और गुजरात का ये हाल नहीं है। तो इसीलिए बिंग गुजराती एंटरप्रेन्योर हम लोग हमेशा कहते थे कि ऐसी जीएसटी न आए जो करप्शन को बढ़ावा दे। तो आप क्या कह रही हैं कि मतलब जो जीएसटी आई है और जो डीमोनेटाइजेशन वो ठोक बजा के नहीं आई है, और क्या उससे आपको लगता है कि चुनावों में जो सेंटिमेंट है उस पर फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स, और वो नेगेटिव होगा, आप ये कह रही हैं? नेगेटिव यानी उस सत्ता परिवर्तन तक ना हो, बिकॉज हमें आदत सी हो गई है क्या? पर हाँ, फाइट टफ होगी। वो भाजपा के जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे रिप्रेजेंटेटिव वो भी मानेंगी और ये भी मानेंगी, अमित जी भी मानेंगी कि फाइट टफ होने वाली है। ओके, और विष्णु जी भी मानेंगे, मेरा क्या कह रहे हैं वो भी मानेंगे कि फाइट टफ होने वाली। चलिए, पर अगर ये पहले वाली जो हमारे जो सीएम थे वो वाली जीएसटी की फिलॉसफी होती तो बात कुछ और होती। चलिए, भागने जी मानती हैं कि इस बार मुकाबला जरा टफ होने वाला है, मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो साथ ही ये भी कह रही हैं कि शायद हो सकता है वो उतना टफ ना हो कि भाजपा दोबारा सरकार ना बना सके। बहरहाल हम नहीं जानते क्या होगा, ये तो जनता जनार्दन गुजरात की तय करेगी जब वो मत डालने जाएगी, वोट डालने जाएगी। लेकिन उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है गुजरात में, जो इस समय सरगर्मियां चल रही हैं चुनावों की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में, उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ है, और वहां की पार्टियां किस तरह के मुद्दों को इस समय जनता के सामने लेकर जा रही हैं और लोगों के मन में क्या कुछ है, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। 9 और 14 दिसंबर को यहां पर वोट पड़ेंगे और
अपील एक हम पहले ही आपसे कर लें, वो ये कि जब भी आप वोट पड़ें कृपया मतदान के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में जाइए और कोशिश करिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व को हम और बड़ा पर्व बना दें। तो आइए जरा जनता जनार्दन के मन की टोह लेते हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं। जी बताइए, इस बार गुजरात के इलेक्शंस जो हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले दो दशक से ज्यादा समय से भाजपा काबिज है, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो जो चुनावी माहौल है वो काफी टफ है, आपको लगता है ऐसा? चुनाव कोई भी हो वो इसको हल्के से नहीं ले सकते कोई भी। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस से है जी, क्या इतना डेस्परेशन के साथ वो गुजरात के अंदर उन्होंने जो तीन बैसाखियां खड़ी की है, तीन जातिवादी नेताओं को खड़ा करके, जी जी, तो क्या लगता है कि इन बैसाखियों से मैराथन रेस वैतरणी पार कर पाएंगे क्या, मैराथन रेस को जीत सकेंगे? जी, मेरे ख्याल से अमीबेन से सीधा ही पूछ लेते हैं। अमीबेन, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का खुद से ज्यादा उन तीन लोगों पे ज्यादा विश्वास है जिसके बल पर आप ये वैतरणी चुनाव की पार करना चाहती हैं, क्यों हो रहा है ऐसा कांग्रेस के साथ? देखिए, पहली बात तो राहुल जी इज उपाध्यक्ष है, हमने 10 साल यूपीए के जो दिए हैं, हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है, वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिस्ट वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो बैसाखियाँ तो वैसे ही नहीं खड़ी हुई है गुजरात में। ये कांग्रेस ने तो सिर्फ इनविटेशन दिया है कि आपके जो सवालात हैं भाजपा गवर्नमेंट के सामने उसका हम समाधान दे सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बैसाखियाँ तो क्रिएट नहीं किए, दलित का आंदोलन कैसे खड़ा हुआ वो अपने हमें जानने की ज़रूरत है, वो बैसाखी नहीं है, वो रियलिटी है ग्राउंड की, कि जो दलित को आप बीच और सड़क पे मारते हो तो इस पे से क्या होगा, आंदोलन ही खड़ा होगा और क्या होगा। आप उनके अधिकार नहीं दे रहे, आप उनके कपड़े निकाल के बीच रास्ते पे मारते हो, कोई मूछ उगाता है तो आप कहते हो कि आप इस कास्ट के नहीं हो तो आपकी मूछें निकाल दो। तो ये आंदोलन एक खड़ा हुआ है गुजरात में, दलित का तो सबको पता है प्रश्न, तो एक आंदोलनकारी एक ग्रुप है पूरा। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया है, कहा है कुछ भी कि वो राजनीति में है, पर हमने कहा कि आपका समाधान सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, आप हमको आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें किसी के साथ नहीं जाना है, हम सिर्फ भाजपा को हराएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया है। तो ये एक तो एक ग्रुप की बात हुई। दूसरी, आप अगर पाटीदार समाज की बात करते हो तो वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, और वो आंदोलन तो दो साल से चल रहा है, 27% कोटा मांग रहे हैं आप, हाँ, वो मांग रहे हैं, वो 2 साल से चल रहा है, पर वो भी एक आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने जब मांग उठाई तो उनकी मांगे सुनने के बजाय आपने घर में जाके उनकी महिलाओं को निकाल के पीटा, घर में जाके मारा है, और 12 नौजवान गुजर गए उस आंदोलन में पाटीदार के समाज के, वो अपने ही सिटीजन से गुजरात राज्य के बच्चे थे, तो वो उनकी राइट मांग रहे हैं, पर उनकी बात भाजपा सरकार सुन नहीं रही है, उनका लिटिगेशन चल रहा है, वो जो चला रहे हैं हार्दिक जी उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया, राजद्रोह मीन्स इट्स अ लॉ, जो कायदा ब्रिटिश सरकार के जमाने भावना, से भावना बेन जी जवाब देंगे, वो जवाब देंगे मेरी बात खत्म होने के बाद जवाब देंगे वो। और तीसरा जो आप बता रहे हैं, तो ये सारे तीन बैसाखी नहीं है, हमने उनको इनवाइट किया है कि हम आपकी बातें सुनेंगे, हम हमारी बात भाजपा सरकार की तरफ थोपेंगे नहीं, उन पे डिस्कशन करके आपके समाधान का हल करेंगे। भावना जी, आप बताइए क्या किस तरह से वो जिस तरह के आरोप लगाती है कांग्रेस, खासतौर से बात कर रहे हैं कि जातिवाद उसको आप जो भड़का रहे हैं, क्या क्या इसमें कोई तथ्य देखते हैं आप? नहीं, तथ्य बिल्कुल जनता के सामने है। अच्छा हुआ ये मुद्दा यहाँ पर खड़ा हुआ है ताकि मैं सत्य क्या है जनता को जानती भी है और मैं बता भी सकूं। ये जो पहले आंदोलनकारी का नाम मैं लूं तो वो एक आंदोलनकारी जो ठाकुर के नाम पर बोलते हैं, वो आंदोलनकारी खुद कांग्रेस का ही व्यक्ति है, वो अहमदाबाद जिले में जिला पंचायत के कांग्रेस के वो चिन्ह पर चुनाव लड़ चुके हैं और हारे हुए हैं, और राहुल गांधी आकर यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं और कहते हैं कि उनको हम हमारे साथ कांग्रेस में दाखिल करते हैं। उसके पिताजी भी अहमदाबाद जिले में कांग्रेस के नेता है, तो इस किस प्रकार की ये प्रजा को आप मूर्ख बना रहे हो कि आपके कांग्रेस के ही है और आपको ले रहे हो उनको। दूसरा, दलित की बात करें तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि दलित लोग यहाँ पर बहुत ही खुशहाल है, कहीं भी कोई भी ऐसा विवाद नहीं है। ये 2 साल से जो आंदोलन चल रहा है, ये अच्छी बात है जो प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा बैसाखी,
तो क्या हुआ कि विकास की बात के साथ कोई हमारी कंपैरिजन नहीं कर सकता, कांग्रेस कभी भी नहीं कर सकता कंपैरिजन हमारी। तो इसलिए दो साल से ये तीन को खड़ा किया है और हार्दिक पटेल आज आप देख रहे हैं कि पाटीदार समाज में भी उन्होंने कहा है। आज कपिल सिब्बल जी आए, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है बोलने का, एक बात मैं बोलूंगी, कपिल सिब्बल रात को देर रात को आए, हमने भी पटेल समाज से हमारे मुलाकात हुई, हमने उसके जो चार मांगे थी उसमें से जो मांगे थी वो हमने मान ली है और आर्थिक बेस पर हमने अनामत दिया है, ठीक है। तो ये ही बात कल कपिल सिब्बल जी ने किया और वो हार्दिक कह रहा था कि हमें जो ओबीसी में देगा उसी के साथ हम जाएंगे, अभी तक तो दिया नहीं। और आज कपिल सिब्बल जी बोले कि ये इनका बंधारण के प्रति जो मानना है, सोच है अलग है और मेरी हमारी लोगों की सोच अलग है। तो मैं पूछना चाहती हूँ जनता से और कांग्रेस से कि क्या बंधारण में सोच अलग थोड़ी होती है, कानून तो कानून ही होता है। ऐसे गुजरात की जनता कभी ऐसे आपके बहकाव में आपकी बातों में आने वाली नहीं है, वो स्पष्ट जानती है। जी हम अगले सवाल पर चलें। जी पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न दोनों ही पार्टियों के नेताओं से है। पहला सवाल, हम लोग आसपास के स्टेट्स में देखते हैं कि सरकारें किसानों के लिए कुछ ना कुछ पिछले एक सालों में करती आ रही हैं, आत्महत्याओं का मामला काफ़ी बढ़ चुका है। गुजरात में दोनों पार्टियों की तरफ से जितना न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ और टीवी देखता हूँ, किसानों के लिए कोई बात बहुत साउंड तरीके से सामने नहीं आ रही है। ओके, जबकि यहाँ की भी किसानों की समस्याएं उतनी ही ज़्यादा हैं जितनी दूसरे स्टेट्स की। और दूसरा सवाल अमीबेन से एक है कि कांग्रेस शायद इतनी अच्छी स्थिति में पहले कभी नहीं थी, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह जब मैं देखता हूँ गुजरात में, तो क्या कांग्रेस एक अच्छा T20 खेल सकेगी? ये मेरा दूसरा सवाल। T20 क्यों कह रहे हैं, तो पूरा टेस्ट मैच होगा साहब, पांच साल। मैडम अब खाली एक महीना बचा है और जिस तरह की राजनीति है उसमें T20। लाइटर नोट पे जी, एग्रीकल्चर की बात उठाई उन्होंने, किसानी से संबंधित सवाल पूछा, छोटा छोटा जवाब आप दोनों से। जी आपको शायद पता होगा, अगर किसानों के साथ आप संबंधित है तो 13 साल से, मतलब कि यूपीए सरकार भी सेंटर में है तब से, गुजरात में जो हुआ है उत्पादन और रोजगारी सबसे ज्यादा है। दूसरा, हमने 18,000 गांव में 24 आवर्स बिजली दी है। तीसरा, हमने जो पाक बीमा योजना किया है उसका प्रीमियम कम कर दिया है और उसका क्षेत्र बढ़ाया है जो पहले नहीं था, तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से उनको ज्यादा क्षेत्र को इसमें सम्मिलित कर दिया है। और आगे मैं आपको कहूं तो 0% ब्याज पर हम किसानों को धीराण देने के लिए हमारी गुजरात सरकार ने वो जाहिर किया है कि हम देने वाले हैं। मतलब कि किसान को है ई मार्केट से भी अब तो कर सकेगी वो अपना माल, किसी भी जगह अच्छे भाव भी उसको मिल जाएंगे। मतलब कि किसान के लिए हमने सरदार सरोवर के कारण पानी भी पहुंचाया है। सरदार सरोवर का 88% पानी सिंचाई में इरिगेशन में जाता है, 10% पानी पीने के लिए होता है और 2% पानी हम इंडस्ट्री को देते हैं। एमी जी आपका रोड मैप क्या है कृषि को लेकर, छोटे में बताइएगा क्योंकि कुछ सवाल और लेंगे। तीन चार मुद्दे हैं, फिर मैं जल्दी कहूंगी। एक तो पहले इतनी आत्महत्याएं हुई उनका कोई नोंद ये सरकार ने लिया नहीं है, क्या करने, दुख तो व्यक्त नहीं किया है पर माफ करने की भी बात नहीं है। 0% की जो जाहिरात की वो इलेक्शन का जैसे अनाउंस हुआ तो वो आ गए कि भाई अभी हमें खेडूत को कहना चाहिए, मजदूरों का खेती के लिए कहना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये इलेक्शन मैनिफेस्टो की तरह उन्होंने एक जाहिरात कर दी, क्या करेंगे बाद में वो नहीं पता है। दूसरी बात, ये बिजली की बात कर रहे हैं, हमेशा ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट कर देते हैं, पानी रात को देते हैं खेती के लिए, दिन को पानी नहीं देते हैं। और ये तीसरी बात कि नर्मदा का पानी जो कैनाल बनाना था, 33% कैनाल बिल्डिंग, कैनल बना ही नहीं है जो पहुंच सके पानी, पहुंचा सके पानी, वो ये बातें करते हैं, वो सारे एक लिटिगेशन की वजह से वो दरवाजे नहीं खुले थे। और ये बात सही है कि मनमोहन सिंह जी को आना पड़ा और कहना पड़ा कि उस टाइम के मुख्यमंत्री कभी भी डैम के बारे में मिलने नहीं गए थे, क्योंकि मैटर तो लिटिगेशन में थी इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास। खेती के लिए, खेती का जो इश्यू है वो कांग्रेस सबसे पहले उसको अहम प्रायोरिटी देगी। ओके जी, हाँ पूछिए। मेरा जो सवाल है वो अमी जी से है। जैसा कि आपने अभी कहा कि पाटीदार समाज का जो आंदोलन जो 2 साल से चले जा रहा है और उसमें जो 4-5 जो 8-9 लोग आपने कहा कि जो मर गए थे इस आंदोलन की वजह से उनके पाटीदार के, तो आपको क्या लगता है कि जो वायलेंस उन्होंने यहाँ पे अहमदाबाद में किया था क्या वो जस्टिफाइड था? जस्टिफिकेशन इसमें कोई हो ही नहीं सकता, वायलेंस में कभी भी नहीं हो सकता, पर इनकी मांगे हैं,
ये जो पाटीदार समाज की मांग है कि हमारे जो बच्चे चले गए, उनकी जाने चली गई, तो ये तो कोई रायट्स नहीं था, ये कोई कम्युनल वायलेंस भी नहीं था, तो ये कैसे हो गई ये सारी वायलेंस? जवाब मांगते हैं अमित जी, अपना सवाल पूछिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या आपके मन में कोई सवाल उठता है जिसके बारे में आप बात करना चाहें? बिल्कुल कहना चाहूंगी, अभी हम एज ए स्टूडेंट है, तो अभी स्टूडेंट होने के बावजूद भी हम इतना फेस करते हैं, अभी इनामत के बारे में जो चल रहा है, तो उसमें हम देखने जाए तो हम एज ए स्टूडेंट यही सोचते हैं कि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। जो अभी अनामत के लिए सब लड़ रहे कि ओबीसी को इतना कोटा मिलना चाहिए, एससी को इतना कोटा मिलना चाहिए, पर क्यों? सब स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं तो सबको इक्वल ही मिलना चाहिए ना। ओके जी, चुनाव के टाइम पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाती है और उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर एक अपना एंगल बहुत ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन जब सरकार बनती हो, सरकार बनने के बाद जब उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है। हम देखें कि गुजरात एक समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी माल न्यूट्रिशन की शिकायतें आती हैं, ऐसा क्यों होता है? और अगर ये राइट टाइम है जनता को पूछने का कि स्वास्थ्य और शिक्षा अगर जितना मजबूत नहीं होगा तो वेल्थ का मतलब क्या रहा? ओके ठीक है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, अगर आ गई, तो क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए क्या करेंगे? जी, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है और मुझे नहीं लगता वो सिर्फ गुजरात का इशू है, वो पूरे देश का भी इशू है, और मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकती हैं। यूथ और एम्प्लॉयमेंट, ये कितना बड़ा एक मुद्दा रहने वाला है इन चुनाव। गुजरात का जो यूथ है वो हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के एवेन्यूज ढूंढता है। अच्छा, गुजरात, और एक इन्फॉर्मेशन है कि गुजरात क्लस्टर में सबसे ज़्यादा अमीर राज्य है। क्लस्टर एक ऐसी चीज़ है जो जॉब क्रिएशन सबसे ज़्यादा करता है, और गुजरात में मैंने ही वो सर्वे में काम किया कि 185 क्लस्टर्स आइडेंटिफाइड है डिफरेंट सेक्टर में, अभी उसमें भी कमी आ गई है। तो अभी आने वाले दिनों में अगर भाजपा या कांग्रेस कोई भी जब सत्ता में आती है तो उसको हमारी जो मोडस ऑपरेंडाई है जिसमें क्लस्टर्स को बढ़ावा दिया जाए और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा जाए, उसको वापस लाना पड़ेगा। इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से समहाउ टेक्निकली स्किल्स भी घर में बैठ गई है, वो जो स्किल्स घर में बैठ के जो स्किल्स भी अपनी भूल जाएगी, उस स्किल को भी वापस लाने के लिए इनको आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों को चैलेंजिंग टाइम्स आने वाले हैं और दोनों पार्टियों को काम करना पड़ेगा। जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। मुझे एक बात बताइए कि गुजरात में इस समय कौन सी ऐसी अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस बार मतदाता सोच रहा है, विचार कर रहा है, जिस पर वो वोट करने वाला है? क्योंकि गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा तो पूरे देश में होती है, तो फिर आखिर यहाँ की जनता को क्या कुछ चाहिए? आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए क्या कुछ आप सेंस कर पा रहे हैं? गुजरात में ऐसा है कि गुजरात में ना बहुत विकास हुआ है, इसीलिए वो सब इंसान को ऐसा लगता है कि भाजपा आना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो उसमें विकास है लास्ट 20 साल से, क्योंकि वो BRTS चालू हुए, शुरू हुए, उस और रिवर फ्रंट बना, और अभी जो राजकोट में पानी का प्रॉब्लम था तो उसमें डैम बनवाया, तो वो सब विकास होता है, इसकी वजह से भाजपा आना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं भाजपा से बोलना चाहती हूँ, अगर 22 साल से उनका यहाँ राज है गुजरात में, 22 साल से कुछ विकास हुआ है, तो उनको गरीब रथ क्यों घुमाना पड़ता है, गरीब मेला क्यों करना पड़ता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। हाँ, गरीब कल्याण मेला की आप बात कर रही है, ठीक है ना? तो देखो बहन जी, पहले ऐसा था जब हम सत्ता पर आए उससे पहले, कि हमारे एक प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं 100 पैसा 1 रुपया भेजता हूं और लाभार्थी तक जब पहुंचता है तो सिर्फ 15 पैसे हाँ, पहुंचते हैं। ये बात तो सबने सुनी है, माननीय राजीव जी ने बोला था, सही है ना? गलत नहीं बोलती मैं। तो हमने सोचा कि जो सरकारी योजना है उसमें जो उसका अधिकार है लाभार्थी का, उसको डायरेक्ट मिलना चाहिए, बिचौलिए होने चाहिए नहीं, एजेंट होने चाहिए नहीं। इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा सोचा कि जो लाभार्थी है उनको हम खुद अपने हाथों से इकट्ठा करके अपने सामने ही इनको लाभार्थी को जो देना है वो हम दे। हाँ जी, बोलिए, बताइए। गरीब कल्याण मेले में जो चीज मिलती है ना, वो घर के क्यों यूज करने के लायक नहीं होती कि उसमें 2 पैसा कमा सकते? ओहो,
उसमें मशीनरी जो देते हैं उसमें सब। हाँ साहब, मैं आपका सवाल समझ गई। हाँ। उनका ये कहना है कि गरीब कल्याण मेले में आप जो भी इस लाभार्थी को देते हैं सहाय, उसका काम की नहीं है। हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि महिलाओं को सिलाई के मशीन देते हैं, क्या काम का नहीं है? वो कड़िया काम करने वाले को, उसे क्या मिस्त्री कहते हैं, उनको जो देते हैं वो काम का नहीं है? या तो किसी को कोई और चीज देते हैं, वो जो काम करता है उसी चीज देते हैं, किसी को साइकिल देते हैं, तो क्या ये काम की चीज नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि काम की चीज नहीं है? हमारे साथ में एक महिला अपनी बात कहेंगी, जरा महिलाओं की तरफ से कोई सवाल वाल पूछिए आप लोग, क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव के बारे में, महिलाएं किस तरह से ले रही हैं इन चुनावों को, जरा बताइए। वी प्रश्न भाजप से ही है, ये बोल रहे हैं विकास किया है तो दो दिन से पेपर में चल रहा है ऑर्डर और असरवा, वो जा रहे हैं धारा सभी को, उनको पब्लिक से भगाया क्यों जा रहा है बाहर? ये तो डेमोक्रेसी है भाई। कैसी डेमोक्रेसी? अगर विकास किया है तो आप भगाओ। नहीं नहीं, अगर विकास किया है ऑन पेपर में आ गया कि भगाया है आपने, क्या किया? और वो चल रहा है, वो भी है रास्ता, अभी ये सीजन में तकलीफ तो पड़ी है बारिश में। सुनिए, अब आपका सवाल मैंने समझ लिया है, माइक आगे जवाब दूं मैं। जी जी जी, देखो बहन जी, जब चुनाव आता है तब सभी पार्टियां अपने अपने वो सक्रियता बढ़ा देती है, तो कभी किसी सक्रियता, जैसे दो तीन जो कहे ना जो पैदा हुए हैं, वो क्या बोला था आपने, वो बैसाखी, तो ऐसे कभी कभी कार्यकर्ता जो किसी पार्टी के होते हैं वो जानबूझकर ऐसा प्रयोग करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग नफरत करते हैं। पूछिए अपना सवाल, और खास तौर से गुजरात का जो विकास मॉडल है जिसको पूरा देश आज फॉलो भी करता है, उसके बारे में चर्चा भी होती है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं ये भी बताइए जरा। मेरा प्रश्न दोनों पार्टियों से है, फिक्स पगार की सरकार यहाँ से शुरू हुई गुजरात से, उसका तो पूरे देश में कहीं रुकावट नहीं आई। फिक्स पगार और सेल्फ फाइनेंस की बढ़ती हुई कॉलेजों के बारे में दोनों पक्ष के बारे में पूछना है कि भविष्य में क्या ख्याल है आपका, क्या फिक्स पगार कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले दिनों में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज बढ़ती जाएगी या गवर्नमेंट ये गरीब बच्चों को लिए गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाएंगे? देखो भाई साहब, आपने जो सेल्फ फाइनेंस का बोला तो मैं एक बात आपसे करती हूँ कि जब हमने संभाला ये क्षेत्र, हमारी सरकार बनी तब 7 यूनिवर्सिटी थी, अब 57 यूनिवर्सिटी है अलग अलग प्रकार की। जब मुझे याद है कि मैं सांसद थी तब कई लोग मेरे पास आते थे कि हमारे बच्चे को हमने यहाँ इस स्टेट में रखा, उस स्टेट में रखा, उसको अच्छा नहीं लगता, मेडिकल के लिए यहाँ भेजा, इंजीनियरिंग के लिए यहाँ भेजा, यहाँ 10 लाख दिए, यहाँ 15 लाख दिए, अब बहन जी आप सांसद हैं तो हमें वापस दिलवाइए। तो हमारी सरकार ने सोचा कि क्यों ना हमारे बच्चों को गुजरात में ही पढ़ने की सहूलियत हो, और इसलिए ये दिशा को देखकर हमने मेडिकल की और इंजीनियरिंग की जो सीटें थी वो बढ़ाई और पब्लिक का सहयोग लेकर बढ़ाई है, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। रही बात आपने पॉलिसी की है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेते हैं, तो आप देखो कि हमारी सरकार ने उनके लिए भी अच्छी तनख्वाह बढ़ाई हुई है, अभी अभी आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी वर्कर का पगार 20,000 हो गया है, शायद आपको पता नहीं होगा। तो हम सबका ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते, मतलब कि सेल्फ फाइनेंस का एक ऐसा भ्रम क्रिएट किया गया है कि वहां लूटते हैं, तो हमने फी नियमन का किया है कि फी नियम जरूर करेंगे और उसका पालन करवाएंगे। पहले तो जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की बात करें उसमें कोई गर्व लेने की बात नहीं है कि भाई हमने 7 में से 57 की है, उसमें कितना कैपिटेशन फी और कितना कमर्शियलाइजेशन हुआ है वो आप जो पेरेंट्स पैसे निकाल के देते हैं उनको पूछना चाहिए। तो उस पे हमने सबसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एजुकेशन को, और राइट टू फ्री एजुकेशन तो अभी हम लेके आए थे यूपीए में, तो वो बच्चों को क्या मिल रहा है पब्लिक एजुकेशन, दैट वी आर गोइंग टू ट्रीट एज प्रायोरिटी। और सेकंड थिंग, ये फिक्स पगार की बात कर रहे हैं, जो जब वो चैलेंज हुआ गुजरात हाईकोर्ट में, और मुझे पता है जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट ने उनको बोला कि ये ठीक नहीं है, फिक्स पगार इतना नहीं रख सकते आप, जो सबको आपको बनाना चाहिए जो स्लैब में आते उस तरह, 2:30 पे 11 बजे जो जजमेंट हुआ 2:30 पे ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे लेके आई है। तो ये उनका सेंटीमेंट्स है प्रजा की तरफ कि फिक्स पगार में ही रखो, और ये जो गुजरात मॉडल है कुपोषण का, माल न्यूट्रिशन का, फिक्स पगार का, वो तो कोई राज्य ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये गुजरात मॉडल है। ओके, विश्व जी बहुत देर से आप खामोश हैं, जनता के कुछ सवाल आपने सुने, खासतौर से स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन मुद्दों को आप किस प्रकार से देखते हैं, ये मुद्दे कितने प्रभावशाली हो सकते हैं इन चुनावों में? नहीं, मैं देख रहा था कि एक
बहन ने जो पूछा कि भाई कब तक ये लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने वाले आंदोलन चलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हमने कभी भी प्रजा को शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए सिखाया ही नहीं, ये सबसे। 1956 में जब महागुजरात आंदोलन शुरू हुआ और इंदुलाल याग्निक उनके अग्रिम थे, तो उन्होंने भी कहा कि फूंक डालो ये सब, तभी गुजरात मिलेगा, ये ठीक नहीं था। अच्छा है वो बड़े पुराने गांधीयन थे, लेकिन आजकल गांधी के साथ जोड़ना ये भी मुश्किल है बात को। दूसरी बात दलित आंदोलन वाली है। अब अभी ही दलित पर अत्याचार हुए, प्रक्रिया है। 47 से आप गांधी जी जब यहाँ थे तब उन्होंने एक हरिजन लड़की को साथ में रखा वो बच्ची के नाते, तो तब भी विरोध हुआ था। कांग्रेस के शासन के दौरान यहाँ प्रथमपुरा एक था सौराष्ट्र में, वहाँ बड़ा अत्याचार हुआ था दलितों पर। मानगढ़ पर हुआ था, सागबारा में हुआ था दलितों पर, आदिवासियों पर। ये होता है, यही नज़दीक एक जैतलपुर है गांव, वहाँ एक सकराबाई नाम का एक दलित आदमी, वो कुएं में उनको डुबो दिया और दलित आंदोलन चला। तो मेरी दृष्टि से दलित आंदोलन एक सामाजिक समस्या है, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखो, ये वोट बैंक के आधार पर मत लड़िए। फाइनल कमेंट्स लेते हैं यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। सबसे पहले भागेश जी, आपसे फाइनल कमेंट्स में ये जानना चाहूंगी कि इस बार के चुनाव आपको बाकी चुनावों से किस प्रकार से अलग लग रहे हैं। मैं गुजरात में 1991 से हूँ, हमेशा मैं देखती थी कि चुनाव सिर्फ एक ही पार्टी लड़ती थी। मेरे घर पे भी सिर्फ एक ही पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, दूसरी पार्टी के ना कैंडिडेट का हमें पता होता था ना कुछ होता था। इस बार मुझे सही में लोकतंत्र या जनतंत्र दिखाई दे रहा है, जहां मुझे दोनों पार्टियों के तरफ से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, जागरूकता मिल रही है। लोकतंत्र और जनतंत्र के लिए भारत की भारतीय होने के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये प्रक्रिया फिर से गुजरात में शुरू हुई है। आने वाले दिनों में ये और बढ़ना चाहिए। तो जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहते हैं, क्या लग रहा है आपको, और क्या आप बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? इस बार मतदाता वो लोकतंत्र के साथ साथ गुजरात की अस्मिता का भी परिचय देगा, ये मैं एक इतिहास के अध्ययन से कह रहा हूँ। आमिर जी, फाइनल अपील में आप क्या कहना चाहेंगी अपने मतदाताओं से? नहीं, मतदाताओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई शासक पक्ष होता है तो वो जनता के लिए होता है, और मार्केटिंग करने के बजाय उनको ठोस काम करना चाहिए। हॉस्पिटल्स, स्वास्थ्य की बात करते तो हॉस्पिटल्स कितनी बनाई वो बताना चाहिए। कॉमर्शलाइजेशन एजुकेशन का नहीं बताना चाहिए, क्या किया आपने और कितने इंस्टीट्यूशंस को आपने ध्वस्त कर दिया वो बताना चाहिए। तो कांग्रेस इस बार सब ये लेके आई है, विपक्ष की तरफ बहुत सारा उन्होंने बताया है, आईना दिखाया है रूलिंग पार्टी को, तो डेफिनेटली रूलिंग पार्टी टेंशन में तो है जिस तरह सारे दौरे हो रहे हैं। जी भावना जी, आप फाइनल कमेंट्स में क्या कहेंगी? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार पाटीदार जो है वो बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में सामने आएंगे, बहुत सारी सीटें हैं जो कि उनके प्रभाव में आती हैं। क्या आपको लगता है उसका कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा ये कहती है कि 150 प्लस का मिशन है आपका? बिल्कुल सही, हमारा मिशन 150 प्लस का है, और ये मिशन जो रखा है जनता के आधार पर, जनता के विश्वास पर हमने रखा है। सबसे पहले मैं आपसे कहती हूं कि ये जीएसटी हो, डीमोनेटाइजेशन हो, जो भी डिसीजन लिया है ये जनता के लिए कठोर कृपा है। आपको अभी लगेगा कि ये कठोर है, पर ये कल्याणकारी और कृपा है, ये समझना। और दूसरा, मैं जनता में यहां जो सब बैठे हैं, तो भाग्यश जी ने अभी कहा 91 से मैं यहां जानती हूं, गुजरात में हूं, यहां पर ज्यादातर जो बैठे हैं वो 90 के बाद आप लोगों ने जन्म लिया है, उससे पहले आपने जन्म नहीं धारण किया है। इसलिए मैं आपसे एक नम्र विनंती करती हूं, आपने आप माता पिता से और अपने दादा दादी नाना नानी से जाकर पूछो जो अहमदाबाद रहते थे कि 69 में कितने रायट्स हुए, कितने लोग मर गए, 85 में जबकि कांग्रेस का शासन था, 85 में 85 में कितने लोग मर गए, और 90 में
कितने लोग मर गए, रायट्स होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते थे, महीनों तक बच्चों को दूध पीने नहीं मिलता था, महिलाओं सब्जी लेने बाहर नहीं जाती थी, घर के लोगों को भूखा रहना पड़ता था, स्टैबिंग होता था, महिलाएं भगवान को मानता रखती थी कि अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति वापस आ जाए अच्छी तरह से, सिटी में गया है अहमदाबाद में या कोई ऐसे हुल्लड़ वाली जगह पर, तो प्रार्थना करती थी। अब ये समय नहीं रहा है, इसलिए आपके माता पिता से पूछिए कि भाजपा ने कैसा शासन किया है, आप उनसे जानिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस जनवाणी में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हम आपसे ये अपील करेंगे कि 9 और 14 दिसंबर को गुजरात के हर मतदाता को बाहर निकलना है, अपना मत देना है। हमने आज यहाँ जाने की कोशिश की, थोड़ी नब्ज पहचानने की कोशिश की, लेकिन अब आपको ये फैसला करना है कि आपने किसको मत देना है। फिलहाल के लिए इस जनवाणी में इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।